हेलो दोस्तों, आज हमारा जो टाइप फोर है इसमें हम क्या करने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड को समझेंगे। अब ग्राफिकल मेथड है क्या? आईपी मैट एग्जाम में कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस आते हैं, फिल्टर्ड हमने करके निकाले हैं आपके लिए, जिन क्वेश्चन के अंदर आपको एक्चुअल अप्रोच करना ही नहीं है, आपको क्या करना है, उनका ग्राफ समझना है। अगर आपने ग्राफ को समझ लिया तो आपको मजा आने लगेगा। और ग्राफ मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ्स के ऐसे बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं जहां पर ग्राफ इस चीज को इजी कर देता है। बहुत ऐसे प्रॉब्लम है जहां ग्राफ का हेल्प होता है, इंजीनियरिंग में तो होता ही है, लेकिन आईपी मैट में भी ऐसे काफी क्वेश्चंस हैं, कुछ फिल्टर करके निकाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ग्राफिकल मेथड समझते हैं। तो ये हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन इसी साल 2023 में आया हुआ था और बच्चे काफी इस पे ये हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व वाई 4970 माइनस मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज। अब हम इस क्वेश्चन को ग्राफिकली कैसे करेंगे, तो पहली चीज हमारे पास एक वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मिला हुआ है। तो अगर मैं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाऊं तो वो कैसा दिखेगा, एक पैराबोलिक कर्व दिखेगी जो कि क्या करेगी, ओरिजिन को टच करके निकल जाएगी। दूसरा मेरे पास क्या है, y is equal to 4970 minus mod of x, और y तो क्या है मेरा x square है, तो यहाँ अच्छा इसमें अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट करें तो y क्या मिलेगा 4970, और x को अगर 4907 पुट करें तो y क्या मिलेगा 0। इसका मतलब कि अगर मैं ऊपर 4970 पॉइंट लेता हूँ 4970, तो ये कुछ इस तरीके से x एक्सिस को टच करेगा। These are the points which are going to be कि जब हम y को put करेंगे ये आएगा हमारा ग्राफ, और हमें क्या ढूंढना है, ये distance ढूंढनी है। अब कैसे ढूंढेंगे distance को, तो हमें ढूंढना है कि graph इन दोनों point पे कहाँ intersect कर रही है, मतलब इन दोनों graph का जो solution आएगा, equation की solution आएगी, that is going to be our answer. Let's find it. तो मेरे पास y की value क्या दी गई, x square, मैं इसे x square लिखूंगा, तो मैं इसे mod of x square भी लिख सकता हूँ, and plus एक mod of x माइनस 4970 इज इक्वल टू 0। अब चाहो तो इसको आप t ले सकते हो mod x को, कि आप कंफ्यूजन से एलिमिनेट कर दो, तो t स्क्वायर प्लस t माइनस 4970। इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें फैक्टर मिलेगा t प्लस 71 एंड t माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अब t की वैल्यू मिल गई, एक तो माइनस 71 और एक 70, बट mod of x कैन नॉट बी माइनस 71, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, और mod of x is equal to 70 हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली, प्लस माइनस 70, मतलब कि जिन जगहों पे ये पॉइंट मीट कर रहे हैं इनका एक x एक्सिस क्या है हमारे पास, जो है माइनस, ये हमारा प्लस 70 हो गया और एक हमारा क्या हो गया, माइनस 70 हो गया। y आप उसको निकाल सकते हो अपने हिसाब से। तो हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला कि ये हमारे पॉइंट्स हैं, हमें बस इसके x से मतलब है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो 70 ये और 70 ये मिलके सम ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू 140 यूनिट। तो आंसर क्या आ जाएगा, 140। देखा आपने ग्राफ कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 मॉड ऑफ x प्लस 3 मॉड ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 6 इज स्क्वायर रूट। अब इस तरह के ग्राफ कैसे बनते हैं, आप इसके ग्राफ को समझ लो, क्योंकि हर बार आता है, 2022 में आया था, इसके पहले भी आ चुका है, कैसे करते हैं इनके ग्राफ को। तो आप क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हो और एक बार x को 0 पुट करो, जैसे आप x 0 पुट करोगे y क्या आएगा, प्लस माइनस 2, क्योंकि 3 डिवाइड करेगा, तो हमें प्लस माइनस 2 y मिलने का मतलब है x 0 पे y प्लस माइनस 2, तो ये हमारा आ गया 0.2 एंड 0.-2, y मिल गया। जब y को 0 पुट करेंगे तो x क्या मिलेगा, प्लस माइनस 3, तो एक मुझे मिल गया 3.0 और यहाँ मिल गया -3.0। आपका जब भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमेशा क्या बनेंगे, पैराबोल। आपको यहाँ पर क्या बनेगा, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपको क्या मिलेगा, एक रॉम्बस मिल गया, रॉम्बस। अब इस रॉम्बस का एरिया निकालना है, और रॉम्बस के अंदर तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, डायगनल क्या है, 2 से -2 तक 4 यूनिट एंड -3 से 3 6 यूनिट। सो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, हाफ इंटू 6 इंटू 4 विच इज गोइंग टू बी 12 यूनिट। तो आपका आंसर क्या आ गया, देखिए सो आपको ग्राफ आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -4.3 टू द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 1। सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ सर्कल। अब x² + y² का मतलब क्या है, सेंटर क्या होगी, ओरिजिन, ओरिजिन पे एक सर्कल है,
जिसके रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो हमने सर्कल बना ली। दूसरा कह रहा है -4.3, तो अगर मैं -4.3 मार्क करूंगा तो कहीं मान लो यहां आता है नंबर, दिस इज माय -4.3। इसकी डायगोनल डिस्टेंस हम निकालेंगे सेंटर से, ओरिजिन से, तो हमें पता है कि डायगोनल क्या होगा। अगर ये मेरा 3 और ये 4 है तो हाइपोटेनस मेरा 5 हो जाएगा, ये डिस्टेंस मेरी 5 हो गई। बट यही मेरी जो रेडियस है ये कितनी है 1, तो डिस्टेंस कितनी हो गई इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 - 1 = 4 यूनिट। तुम्हारा आंसर क्या आ गया? 4 यूनिट। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट -5.0 एंड पॉइंट ऑन सर्कल x² + y² = 4 इज। अगेन फिर से एक सर्कल है जिसकी ओरिजिन क्या है, ओरिजिन क्या है सेंटर, तो सेंटर लेके हम यहां से एक सर्कल बना देंगे और इस सर्कल का रेडियस कितना है 2 यूनिट। अब कह रहा है कि पॉइंट -5.0, देखो सिमिलर क्वेश्चन ये पहले भी आ गया है, तो अगर -5.0 हम यहां रखते हैं तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सर्कल से क्या होगी, द डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा -2.0, डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट, द गैप इज 3 यूनिट, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3 यूनिट। देखिए तो यहां से हमें समझ में आया कि ज्योमेट्री में काफी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और बहुत सिंपल होते हैं, यू शुड नो हाउ टू ब्रेक इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक तरह से सिमिलर क्वेश्चन जैसा मैंने आपसे कहा था कि पहले भी आया हुआ है 2022 में, 2019 में भी आया हुआ है। अगेन सिमिलर टू द डाटा, हमें बस क्या करना है एक कार्टेशियन प्लेन लेना है, एक्स को 0 पुट करेंगे, वाई आएगा हमारा 0.2 एंड 0.-2, और जब वाई को 0 रखेंगे तो एक्स क्या आएगा 3.0 एंड 0.-3.0। फिर से क्या बनेगा हमारा एक तरह से रॉम्बस, और रॉम्बस के एरिया के लिए हम क्या करते हैं कि डायगोनल, फिर वही सॉल्यूशन आएगा हमारा 1/2 × 4 × 6 व्हिच इज गोइंग टू बी 12 यूनिट। देखो तो आंसर क्या आ गया 12 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, वेयर व्हाट वी गोना डू इन अ क्लास 60% एंड 68% ऑफ स्टूडेंट पास्ड देयर फिजिक्स and mathematics examinations respectively, then at least -% of student pass both their physics and chemistry examination, physics and mathematics examination. तो क्या करना है इसके अंदर हमें, अब ये एक तरह से वेन डायग्राम का प्रॉब्लम, वेन डायग्राम भी एक ग्राफिकल मेथड ही है, ग्राफ बनाना होता है हमें, ज्योमेट्री करनी होती है, लेट्स डू दैट। तो हम क्या करेंगे, दो सर्कल ले लेंगे, जो दोनों सर्कल में पहला सर्कल हमारा फिजिक्स को और दूसरा हमारा मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और इनके बीच का जो फिल्टर है वो हमारा क्या करेगा, वो कॉमन वैल्यूज होंगी। अब मान लेते हैं कि जो कॉमन है दोनों में बोथ पास्ड है उसको हम एक्स ले लेते हैं, तो और टोटल मान लेते हैं कि 100 बच्चे हैं हमारे पास, इस 100 में 60% क्या है फिजिक्स में पास है, तो अगर एक्स हमारे कॉमन है तो क्या हो जाएगा 60 - x हो जाएगा, और मैथ्स में क्या हो जाएंगे 68 दिए हुए हैं तो 68 - x हो जाएगा। अब दोनों का सम, तीनों का सम क्या होना चाहिए 100, सो वी कैन सिंपली ऐड देम, 60 + 68 हमारा आएगा 128, माइनस माइनस प्लस कट जाएगा और एक -x = 100 आ गया, एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारी 28%, मतलब कि 28% वो लोग होंगे जो दोनों ही सब्जेक्ट में पास हुए। और यहाँ हमारा वीडियो में हमने ये चीज़ समझ ली कि कैसे ग्राफिकल मेथड वर्क करता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द ग्राफिकल मेथड एंड एंजॉयड द लेक्चर टू। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गिव एन एग्जाम, इफ यू फाइंड अ क्वेश्चन वेयर ग्राफिकल मेथड कैन बी अप्रोच्ड, मेक श्योर यू डू दैट एंड गेट योर आंसर क्विकली टू स्कोर मैक्सिमाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।